कर लेते हैं सब के लिए फीड, हम लोग रेडी। वो लोग खा लेगा, एक साइड में गेहूं है और एक साइड में चावल और एक साइड में मुर्गियों का। तो लेके हम लोग इसको चलते हैं अपने मिनी जू के अंदर में। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे। तो कर देते हैं पहले हम लोग गेट बंद, जिससे हमारे परिंदे कोई भी बाहर की तरफ ना जाए। ए, ये क्या आती हमला? तो इसको कर देते हैं साइड इधर में। भाई सभी चूजे आ गए। ए हटो। तो पहले लक्का कबूतर को दे देते हैं हम लोग इधर दाना, क्योंकि इसके अंदर चावल है, ये चावल खाता नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा दे देते हैं हम लोग गेहूं। चलो इधर में डाल देते हैं। अरे हटो, सबको मिलेगा। चलो इसमें दे देते हैं अपने लक्का कबूतर को, ये अंदर। चलो बेटा अब इसको उठा के चलो आगे की तरफ। हाँ, देते हैं। रुक जाओ। चलो इधर में देंगे अपने चूजों को, इसके अंदर तो इतना दाना है ही। फिर हम बंदा को भी थोड़ा डाल देते हैं। लो, आओ। इधर थोड़ा सा लेकर मोंकी को भी दे देते हैं। मोंकी जब से चिल्लाए जा रहा है। लो क्या बेटा? हाँ खाने दो। तो अभी इन लोग को आ जाओ। लो खाओ। तो सभी परिंदे आके हमारे खाने लगे हैं। खाओ और खा लो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो सुबह से ना, अभी हमारे इधर ना गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं में पानी डालने का। तो सुबह से मोटर हमारे इधर ना चल ही रहा है, पानी खेतों में जा रहा है। इस वजह से आज मुझे ना लेट सा हो गया, शाम हो गया। मैं फिर दौड़ते हुए आया खेत में से कि चलो अपने परिंदों को थोड़ा दाना ना दे देते हैं। तो अभी आए तो हम लोग लेकर आ गए सबके लिए फीड, और चलते हैं हम देख लेते हैं अपने कबूतरों का नज़ारा। तो अभी अंडे पे हमारी बैठी है कबूतरी, और इसका कबूतर बाहर निकला हुआ है, जो कि लक्का कबूतर के पिंजरे के ऊपर में है। और तो और दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी मुर्गी ना इसके अंदर आज फिर बैठी थी। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर अंडा है कि नहीं। इधर भी नहीं है, इधर कहीं नहीं है। ओ भाई मिल गया, इधर में ये अंडा हमारी लाल वाली मुर्गी का है, क्योंकि सफेद अंडा वही देती है, और वैसे काली वाली हमारी कड़कनाथ मुर्गी है ना, वो लाल अंडे देती है, और ये तो सफेद है। तो ये हमारी लाल वाली मुर्गी अंडा दी है। मुझे लगता है ना कल हमारी मुर्गी ने अंडा दिया था, क्योंकि हमारे मिनी जू में ना दो आदमी आए थे और घूम रहे थे हमारे मिनी जू का, तो कुछ देख रहे थे। उन लोग को अच्छा लग रहा था, हमारे मोंकी से मिलने आए थे कबूतरों का, तो उनके पास गए थे। मुझे लगता है उसमें से वो लोग अंडा लेकर चला गया। कोई बात नहीं, हम जिसको नहीं देखे ना कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बेटा? हाँ और ले जाओ, डाल दो, सबको डाल दो। हाँ ले जाओ हमारी चाइना मुर्गी के लिए। तो अभी फिलहाल हम रख देते इस अंडे को इसी में, जब जाएंगे तो लेते जाएंगे। इसके अंदर गिर जाएगा, इसके अंदर से नहीं गिरेगा, इसके अंदर रख देते हैं। और अभी हम लोग चाइना मुर्गी को ले जा, दो 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 ले लो दो दो मंकी को ले लो। डर क्यों रहे? और ये जितना बोरी है ना, ये सब हम लोग ना इधर में लगाते हैं, जिसके वजह से ना ठंडा ना लगे, अंदर की तरफ हवा ना आए, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है ना। अब अंदर हवा आएगा, हमारे परिंदे कहीं ज्यादा डेड भी कर गए ठंड की वजह से। तो इसलिए हर तरफ हमने सेफ्टी लगा दिया है। अभी सुबह होता है ना तो ये सब हटा देते हैं, और फिर शाम को हम सब तरफ लगा देते हैं। जैसे इधर में अभी हटा हुआ है, हर खिड़की से हम लोग हटा दिए हैं, और शाम होते ही सबको लगा देते। तो हमारी कड़कनाथ मुर्गी है जो कि इसमें अंडा देती है, आज दी है कि नहीं? नहीं दी है अभी। तो देखिए हमारा लगता है रेबिट इसमें भी आके ना इधर घर बना रहा था। ये देखिए इधर घर बना रहा था। वैसे हम लोग मट्टी डाल दिए हैं तो उसमें भी वो घर बना रहा था। चलते हैं देखते हैं कितना बना दिया है, क्या हो गया है।
अच्छा चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं हमारे रेबिट का कितना घर रेडी हुआ है। अरे भाई कितना बना दिया, अंदर तक सुरंग किया है। उरू कुछ ज्यादा ही अंदर तक हो गया है, और वो अब इसका साथी लाना बहुत जरूरी है। साथी आ जाएगा तो बहुत जल्दी ये भी बच्चे दे देंगे। तो मैं कल अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं जाऊंगा इसका साथी पता करने, कहीं मिलेगा तो हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो अभी हमारे रेबिट इधर खा रहे हैं और चूजे भी सभी खा रहे हैं। का कबूतर जो कि उसको थोड़ा पंख हमारे मुर्गियों ने खराब कर दिया था, देख लेते हैं अभी ठीक ठाक है कि नहीं। चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। ये रुको 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 रुको। हाँ अभी अभी जितना भी है ना सब इसका ठीक सा हो गया। जब इसको मारा था लोग ना पूरा खून ही खून हो गया था। अभी जब इसे इसको साइड में रखे ना इसका सब ठीक ठाक से हो गया है। जब भी आते हैं ना हम इसको जरूर एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। और हमारा लाल वाला कबूतर तो अभी ठीक ठाक है, तो इसको ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। इसको रखो इधर साइड में। और हमारे सभी दाने इतने सारे दे दिए ना, इन लोगों का कोई टेंशन ही ना हो। क्या हो गया मौके, क्यों चिल्ला रहे हो? मिनी जू के अंदर लाते हैं इसको तो बांध के ही हम लोग रखते हैं कि ये जाके ना बच्चों को परेशान ना करे, नहीं तो ये जाएगा ना बच्चों को परेशान करेगा इधर से उधर, उन लोग को मारता है। मारता नहीं है, ऐसे ही पकड़ के ना खींचने, ये तो खेलता है पर हम लोग को लगता है मार रहा है, पर उसके वजह से हमारे मुर्गी के बच्चे घायल से भी हो जाते हैं। तो हमारी चाइना मुर्गी ऊपर में क्या कर रही है, है? जब तक हमारे सभी चूजे इधर खा रहे हैं तो हम लोग चलते हैं अपनी हिरनी के पास, जो कि हमने हिरनी को बाहर में रखा है। हम लोग आ चुके हैं बाहर में और हमारी हिरनी है जो कि क्या हुआ, जो कि हमारी इधर में बंधी हुई है। शाम का समय हो गया, इसको ठंडा लग रहा है। हमारा बेटा आता है जब भी इसको पकड़ने लगता है, पकड़ो तो बेटा। इसको ना इससे डरता नहीं है, मोंकी से हमारा बेटा डरता है पर इससे नहीं डरता है। और ये भी इसको ना कुछ भी नहीं करती है, जब भी इसको पकड़ता है ना उसको भी अच्छा सा लगता है, वो भी उसके साथ खेलती है। और मैंने बोला था ना सुबह से हम लोग गेहूं में पानी दे रहे हैं तो इधर में हम लोग का मोटर चल रहा है और ये पाइप जा रहा है, देखिए कितना दूर में वो घर है ना पीला वाला उसके उधर में गया है, तो उतना दूर का ये पानी जा रहा है उधर में। और शाम हो चुका है, सूरज भी डूब चुका है। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। बोल दो बाय दोस्तों, बोलो बाय बाय दोस्तों।